हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? देखो, पिछली क्लास में हमने रिटायरमेंट डेथ में गुडविल का ट्रीटमेंट जो है उसको हमने आगे बढ़ाया था, और हमने आपको दिखाया था कि जो गुडविल का ट्रीटमेंट है ये जस्ट लाइक आपका जैसे पहले से करता रहे उसी तरीके से गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। आपका जो पार्टनर्स गेन करेगा वो देगा और जो सेक्रीफाइस करेगा लेगा। हमने ये भी आपको बात पहले कई सारे चैप्टर में बताया हुआ है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, जिस गुडविल को हमने खुद क्रिएट किया अपने फॉर्म के लिए, हम उसको बुक में शो नहीं कर सकते, रेज नहीं कर सकते। इसलिए अगर पहले से कोई गुडविल हमारे बुक में है तो हम उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। आज पीछे की क्लास का रिविजन और आगे की क्लास का जो एक कॉन्टिन्यूटी है उस चीज़ को मेनटेन करने के लिए आज एक एग्जाम्पल मेरे साथ रेडी कीजिए। हमारा टॉपिक अभी चल रहा है रिटायरमेंट एंड डेथ, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। मैंने कहा था दोनों में सेम बातें होती हैं, जहां पे डिफरेंस क्रिएट होगा हम अपने आप उस चैप्टर को अलग कर देंगे। फिलहाल दोनों कॉमन टॉपिक के रूप में चल रहा है। तो लिखिए आप मेरे साथ यहां पे ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ऐसे लिखेंगे। इनका जो रेशियो है पहले से, रेशियो वो कहता है कि 3:2:1 का है, 3:1 आपका। फिर उन बच्चे कहता है कि यहाँ पे आपका सी रिटायर्स कहता एंड गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड एट, साथ साथ लिखेंगे, एक एग्जांपल है पिछली क्लास को और अगली क्लास को लिंक करने के लिए। सी रिटायर्स एंड गुडविल फर्म वैल्यूड एट रुपीज 3 लाख, 3 लाख रुपए पे गुडविल को हमने वैल्यू किया है। बोलता है कि मेक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर फॉलोइंग केसेस। मैंने अब यहां पे केस आपको दे देना है, और वो केस वन कहता है यहां पे लिखिए Without raising goodwill account, goodwill को बिना raise किए हुए कहता है कि आप entry करें, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। Case टू में इस पर नया add कर रहा हूँ, कहता है कि partners decided to raise goodwill at its current value। सर अब ये क्या है? मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन जो आपका है वो पिछली क्लास को और इस क्लास को लिंक करेगा मेरे बच्चे। उस लिंक के अंदर में ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, बातें अपने आप समझ में आ जाएगी, कुछ ज़्यादा टफ नहीं करूँगा। आप बस यहाँ पे कॉपी कर लो पहले, ये क्वेश्चन आपका हुआ। अब मैं सोल्यूशन में आपके पास आता हूँ। केस नंबर वन जो पिछली क्लास में किया था हमने, विदाउट रेजिंग कह दे, या विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, बिना गुडविल अकाउंट को ओपन किए हुए हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखो, क्योंकि मुझे इस दोनों केस को लिंक करना है, इसलिए मेरे बच्चे मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा, सारी बातें। मैं इसका आंसर पहले आपको टेबल एंट्री से बता दूं। तो देखो, तीन पार्टनर्स हैं। टेबल एंट्री जो आपको एग्जाम में नहीं करना बट समझने के लिए है, ये आपको मैं टेबल एंट्री दिखा रहा हूँ। टेबल एंट्री जो मैंने आपको समझाया था, और लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ये समझने के लिए ठीक है ना। एग्जाम में क्या करना वो मैं अभी आगे बताऊँगा। और इसमें हम क्या करेंगे जी, तो आपका ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में आप इसे करेंगे क्रेडिट। याद है आपको? जरा बताओ, 3 लाख की गुडविल है, हम तीनों ने मिलकर कमाया। मैंने आपको समझाया था, मैं एक बार आपको और याद दिला दूं यहां पे कि आपके तीन पार्टनर्स पहले से एबीसी, इनका रेशियो 3:1 का है। यहां कहता है कि आपका सी का रिटायरमेंट हो गया, सी रिटायर, तो इसके बाद बिजनेस में ए और बी रह जाएंगे, और इनका रेशियो कुछ ना बताया तो 3:2 रह जाएगा।
तो सी ने कहा कि देखो जी, जो पास्ट में हमने एफर्ट किया था और फ्यूचर में जिसका बेनिफिट सिर्फ आप दोनों लोगे, आप हम उसको यहाँ पे वैल्यू कर लेते हैं। तो गुडविल ऑफ फर्म यहाँ वैल्यू किया गया 3 लाख रुपीज़। ये 3 लाख वो अमाउंट है जिसमें हम तीनों ने मेहनत किया है, लेकिन इससे होने वाला फ़ायदा आगे में सिर्फ दो लोग लेंगे, ए एंड बी आपका। तो हम उसी झगड़े को ख़त्म करें मेरे बच्चे। ये 3 लाख रुपये 3-1 में, यानी कि 150 आपका है, 1.5 लाख रुपये, 1 लाख आपका है, यानी कि आपका 1 लाख रुपये, एंड 50,000 आपका है। हमने कहा ये 3 लाख जो फर्म की गुडविल है, मतलब जिसको हमने पास्ट में मेहनत किया था, फ्यूचर में बेनिफिट के रूप में आएगा, इस 3 लाख को हमने इस रेशियो में कमाया था, तो उस रेशियो में हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दो। लेकिन आने वाले समय में इसको जो न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ यानी कि उनके अकाउंट से डेबिट कर लो। जरा बताओ नया रेशियो क्या हो गया, 3:2। तो सी तो चला गया और 3 लाख को 3:2 में करेंगे, तो 1,80,000 एंड यहाँ पे 1,20,000 का अमाउंट आ जाएगा। तो आपका एंट्री क्या बना, ये देखो इसका डेबिट बना है, तो आप इसको डेबिट करेंगे 30,000 से। ये बातें हमने पिछली क्लास में समझाई है, आज क्यों समझा रहा हूँ दोबारा इसका रीज़न बताऊंगा मैं आपको। और डेबिट आपका यहाँ पे हो गया 20,000 और सी आपका यहाँ पे क्रेडिट में आ गया कितना जी, 50,000। मतलब सी अपना सब कुछ छोड़ के जा रहा है, तो उसको हमें देना पड़ेगा, और ये दोनों क्या करेंगे जी, ये देंगे। तो एंट्री हो गया मेरे बच्चे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, लिखिए मेरे साथ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। सी को कितना मिलेगा, 50,000। कौन देगा, ए बी, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग, और यही इनका सेक्रीफाइस है, ओल्ड ये न्यू ये, तो ओल्ड माइनस न्यू आपका इतना इतना सेक्रीफाइस है, 30,000 का सेक्रीफाइस आपका है एंड 20,000 का आपका है। लीजिए एंट्री बन गया। एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपको यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकाल लेना मेरे बच्चे। जब आप इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो निकालोगे तो आप ध्यान रखना, आप जानते इस बात को कि जब हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे, मैंने पिछली क्लास में बताया है, तो वो भी रेशियो आपका 3:2 आ जाएगा, न्यू ही गेन बन जाएगा। तो सी 50,000 सेक्रीफाइस कर रहा है, कैसे निकल के आया, 3 लाख का 1/6 जो सी का शेयर है, तो सी को 50 मिलेगा, कौन देगा, ए बी, किस रेशियो में, गेनिंग, तो 3:2 में क्या होगा, इतना इतना अमाउंट मिल जाएगा। मतलब एग्जाम में ये काम नहीं करना, एग्जाम में बस ये एंट्री पास करना है, और इस एंट्री को करने के पहले गेनिंग रेशियो आपको जानना पड़ेगा, बस। ये हमारा हो गया क्या जी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एंट्री हो गया गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड, पिछली क्लास में हमने समझाया हुआ है, कुछ नई बात आपके लिए नहीं है, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये लीजिए हमने यहाँ पे एंट्री कंप्लीट किया, ठीक है ना। ये हमारा पहला था बच्चे, जो पिछली क्लास में सीखा था हमने। अब मैं आपको आज केस नंबर 2 आपको समझाने वाला हूँ, जो हमारा आज का टॉपिक आपका है, केस नंबर 2। और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, बस समझने का नजरिया थोड़ा सा चाहिए आपको, मेरे साथ मेरी बात सुनो। इस पर कहता कि भैया पार्टनर्स डिसाइडेड टू रेज गुडविल एट इट्स करेंट वैल्यू, रेज कह दे या कह दे शो, पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो गुडविल एट इट्स करेंट वैल्यू, ये क्या, ये तो कहता कि भैया ये जो गुडविल है 3 लाख रुपीज, ये पार्टनर्स अपने बुक में दिखाना चाहते हैं। मेरे बच्चे ध्यान सुनना, AS 26 की अगर बात करें तो AS 26 इसको कंप्लीटली मना करता, बोलता कि ना, जो गुडविल आपने खुद जनरेट की है, जो गुडविल आपका फर्म का खुद जनरेट किया आपने, उसको बुक में नहीं दिखा सकते। अब मैं क्या करूं, AS 26 कहता है कि आप दिखा नहीं सकते, और क्वेश्चन कह रहा है कि भैया गुडविल को आपको बुक में शो करना करंट वैल्यू यानी कि 3 लाख रुपए पे। मैं तो परेशान हो गया, अब मैं करूं तो क्या करूं। तो बच्चे पहले तो हमें क्वेश्चन की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमें मार्क्स लेना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं इस 3 लाख रुपए के गुडविल को आज हम बुक में शो करेंगे, मतलब गुडविल जो हमारा एक एसेट्स है, अब उसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। अगर मैं गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाऊंगा तो गुडविल जो हमारा एसेट्स है मेरे बच्चे, वो बढ़ना आपका डेबिट होगा। तो 3 लाख से हम क्या करेंगे, गुडविल को डेबिट कर देंगे, समझ रहे हो ना, एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है। तो गुडविल जो 3 लाख रुपए का अमाउंट है, हम उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये 3 लाख की जो गुडविल है,
इस गुडविल को यानी कि 3 लाख रुपए किसने किसने क्रिएट किए हैं, इस 3 लाख रुपए के लिए किसने किसने मेहनत की है? सर एबीसी तीनों ने, सर तीनों ने मेहनत की है। तो मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा, ये गुडविल जो है ना जब रेज करूंगा तो तीनों यानी कि ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। लॉजिकली ये बात बिल्कुल गलत है, बट क्योंकि आपके सिलेबस में तो हमें इस चीज़ को देखना होगा। 3 लाख की जो गुडविल है हम क्या करेंगे, एबीसी में रेज कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो मेरे बच्चे, यानी कि 1,50,000, 1 लाख और यहाँ पे 50,000 का अमाउंट। तो ये आपका एंट्री हो गया यहाँ पे, नरेशन लिख देता हूँ मैं, बीइंग गुडविल, गुडविल रेज्ड, रेज्ड यानी कि हमने शो कर दिया अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। मेरे बच्चे हमने क्या किया, गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में हमने क्रेडिट कर दिया। सर ओल्ड पार्टनर्स क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि इस 3 लाख के लिए जिसने जिसने जितना जितना मेहनत किया होगा उतना उतना उसको दिखाना होगा। जब हम बैलेंस शीट में कोई चीज़ को दिखाते मेरे बच्चे, और अगर हम एसेट्स को बढ़ाएंगे तो कैपिटल को भी बढ़ाना होगा बैलेंस शीट टैली करने के लिए, और जब एसेट्स बढ़ेगा तो इस एसेट्स में जिनका जिनका क्लेम बनता है उन सबके बीच में हमें करना होगा। तो तीनों ने मेहनत किया था, तीनों के बीच में हम डेबिट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। तो लीजिए हमने क्या किया, गुडविल को दिखा दिया। पता एक बात बताऊँ, आप लिखना नहीं, इस एंट्री के बाद जो नया बैलेंस शीट बनेगा ना, नया बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट में अब यहाँ पे गुडविल आ जाएगा, और कितने से जी, 3 लाख से, और हमने ए बी सी में इतना इतना हमने बढ़ा दिया, मतलब बैलेंस शीट टैली कर रहा है। लेकिन मेरी बात सुनो, AS 26 जो है मेरे बच्चे वो कहता है कि अगर आपने गुडविल बैलेंस शीट में दिखा दिया तो फिर आपका मार्क्स तो छोड़ो, हम आपका अकाउंट्स ही गलत कर देंगे। आप अकाउंट्स नहीं जानते हो, क्योंकि गुडविल जो कि आपने खुद क्रिएट किया उसको बैलेंस शीट में दिखाना अलाउड ही नहीं है, ये इलीगल है मेरे बच्चे, ये गलत काम है, आप ये काम नहीं कर सकते। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्वेश्चन ने कहा कि आप दिखाओ तो हमने दिखा दिया, AS 26 कहता कि मत दिखाओ, तो अब हम क्या करें। टेंशन मत करना, आप मेरी बात सुन लो, अगर हमने गुडविल को दिखा दिया तो हमने क्वेश्चन को पहले सम्मान दिया, हमने क्वेश्चन के मुताबिक गुडविल को यहां पर रेज कर दिया। अब कहता है कि गुडविल को ना दिखाओ, तो ठीक है, अगर गुडविल को ना दिखाओ तो हम क्या करेंगे जी, एक एंट्री हम और पास करेंगे मेरे बच्चे, और जो गुडविल हमने डेबिट किया था अब गुडविल को हटा देंगे, यानी कि टू गुडविल अकाउंट, ये गुडविल को हम क्या करेंगे, हटा देंगे पूरे 3 लाख से, जितने से हमने गुडविल बैलेंस शीट में बढ़ाया था वो सारा खत्म कर देंगे। लेकिन याद रखना, अब जो ये हटाया जाएगा, ये हटाना न्यू पार्टनर्स के बीच में होगा इन द न्यू रेशियो, क्योंकि मेरे बच्चे एक बार जब एडमिशन हो गया, सॉरी रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट के बाद कोई भी अगर चेंजेज आता है, कोई भी चेंज रिटायरमेंट के बाद, तो उसमें न्यू पार्टनर्स की भागीदारी होगी। आप याद करो, हमने एक मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बताया था, याद कीजिए आप, आपको याद आएगा, मैं वहाँ से लिंक कर रहा हूँ इस बात को, कि अगर मान लो हमने किसी एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखा दिया, रिवैल्यू कर दिया, और आप कहते हो कि नहीं जी हमें इसको नहीं दिखाना क्योंकि हमें AS 26 फॉलो करना है, तो अगर इसको हटाया जाएगा तो उस केस में घाटा फायदा न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में। फिर से आइए हम बात करते हैं मेमोरेंडम रिवोल्यूशन जो हमने समझाया था, जब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हो, रिवोल्यूशन अकाउंट, तो उसमें घाटा फायदा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में जाता है। लेकिन मेरे बच्चे अगर हम डिसाइड करते हैं कि जो हमने एसेट्स बैलेंस शीट में दिखाया वो नहीं दिखाना है या पुराने फिगर पे दिखाना है, तो हम रिवर्सल एंट्री पास करते थे मेमोरेंडम में, और मेमोरेंडम में जो भी घाटा फायदा होता था न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में। अभी दिमाग में इफ और मत आने दो, जितना बोल रहा हूँ बस उतना ही सोचो, आप बातें समझ में आ जाएंगी, और अभी कराऊंगा ना कई सारे क्वेश्चन, आप क्यों चिंता करते हो, मुझे पता बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे, तो मैं आपको उसी लय में लेकर चलूंगा, और अभी प्रूफ भी कर दूंगा जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो एक बार जो एसेट्स हमने वैल्यू किया 3 लाख पे, अगर वो AS 26 को फॉलो करने के लिए अगर हमें उसको नहीं दिखाना तो उन बच्चे जो डेबिट किया था क्रेडिट कर देंगे, और ये न्यू पार्टनर्स, नया पार्टनर्स कौन हो गया, ANB, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड,
बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड है ना, एंड टू गुडविल इन द न्यू रेशियो, नया रेशियो क्या है 3:2, तो 1,80,000 एंड 1,20,000। अभी आप ज़्यादा ई फॉर मत लेकर आओ, आप देखो ना मैं सारी बातें समझाऊंगा। हमने कहा बींग गुडविल रिटर्न ऑफ मतलब हटा दिया, रिटर्न ऑफ अमंग न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो आपको ठीक है ना, टू फॉलो AS 26। हमने AS 26 को फॉलो करने के लिए वो गुडविल हटा दिया। दोबारा सुनिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ मेरे बच्चे, अगर कह दे कि गुडविल को रेज या शो करना है तो फिर उस केस में गुडविल को हमें यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा, और क्योंकि इसके लिए हम तीनों ने मेहनत किया था तो तीनों में दिखाना होगा ओल्ड रेशियो में, पहली बात। लेकिन जब इस एंट्री को किया तो गुडविल चला गया बैलेंस शीट में 3,00,000 रुपये, और हम जानते हैं कि गुडविल बैलेंस शीट में दिखाना अलाउड नहीं है। तो AS 26 का सम्मान करने के लिए मेरे बच्चे हम लोग क्या करेंगे कि जो गुडविल हमने रेज किया था, रिवैल्यू किया था 3,00,000 रुपये पे, अब उसको हम हटा देंगे। और जब भी कोई चीज आपने चेंज किया है और उसको अगर हम पुराने फिगर पे यानी कि जीरो पर दिखाना चाहते हैं तो हम मेमोरेंडम का हम सारा लेते हैं और उससे हुआ घाटा फायदा न्यू पार्टनर्स निवेश मिलता, हमने एंट्री कंप्लीट कर लिया। तो एक एंट्री क्वेश्चन के लिए, एक एंट्री AS 26 और काम पूरा। एक बात आपको बता दूं, पता है अगर मैं आपको समझाऊं ना तो ये कुछ भी नहीं है, ये चीजें पता है क्या है, ये सिर्फ ये है टेबल एंट्री। ये देखो हमने क्या क्या ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में पहले क्रेडिट किया, ये देखो गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हमने क्या क्या क्रेडिट किया, और अगली एंट्री में हमने क्या क्या न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में हमने डेबिट किया, ये देखो पार्टनर्स को डेबिट किया न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में। तो एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूं कि अगर इस दोनों एंट्री का इंपैक्ट देखा जाए तो इंपैक्ट यही निकल के आपका आएगा यही, क्योंकि इसी का प्लस माइनस करके जो अमाउंट आया था उस हमने एंट्री पास किया था, और सेम चीज यहां पर भी आपका है। अब मैं समराइज कर रहा हूं कि आपको बोलना क्या चाहता हूं मेरे बच्चे, रिटायरमेंट ऑफ या डेथ ऑफ पार्टनर में हमेशा गुडविल का ट्रीटमेंट ऐसे ही किया जाएगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, हमेशा ये किया जाएगा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ब्रह्मा जी भी अगर आके बोले कि भैया आप बताओ कैसे करोगे तो बोलना कि हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में अगर वो मेंशन कर देता है कि गुडविल को करंट अकाउंट पे करंट वैल्यू पे रेज करना है, तो मेरे बच्चे ये जो दो एंट्री हमने टेबल एंट्री में दिखाया था ना, उसी एंट्री को आपको यहाँ पे क्या करना होगा, पास करना पड़ेगा। मतलब गुडविल डेबिट किया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, गुडविल क्रेडिट किया न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में, गुडविल आपका कैंसिल हो जाएगा, गुडविल खत्म हो गया, और इसका इंपैक्ट अल्टीमेटली यही आके रह जाएगा, आप चेक कर लेना ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने किया। सर कोई क्वेश्चन बुक में दिखाओगे? क्यों नहीं, आज तो आया ही हूँ मैं आपके पास उसी काम को करने के लिए। तो ये लीजिए मैं अब आपको यहाँ पे समझाना शुरू करता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोलता है, और अभी एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ना आपका दिमाग शांत हो जाएगा। इतने पे मत रुक जाना, अभी दिमाग में कई सारे सवाल उठेंगे, उठने लाजमी भी है, लेकिन मैं आगे क्लियर करूँगा। आओ ना एक बार चेक करो, क्वेश्चन नंबर 13 था आपका, तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 का। जरा आइए एक बार 13 चेक करते हैं क्या बता रहा है, पढ़ो जरा 13। विराट, रोहित एंड शिखर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर है, विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड शिखर धवन, माफ कीजिए टाइटल नहीं है, विराट है, रोहित एंड शिखर है, मतलब ये तीन पार्टनर्स हैं, क्रिकेटर हैं शायद, उन्हीं पे नाम दिया। रेशियो 3:1 का, शिखर रिटायर्ड हो गया फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल, कहता ऑन विच डेट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू किया गया 2,40,000 रुपये। मेरे बच्चे मैं आपको यहाँ दिखा दूँ डायग्राम में, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तीन पार्टनर्स हैं, विराट, शिखर एंड तीसरा कौन था, सॉरी विराट, रोहित एंड शिखर। विराट है, चलो पूरा नाम ले लो, विराट, रोहित एंड शिखर, तीन पार्टनर्स हैं। इनका रेशियो कहता है कि पहले से 3:2:1 है, 3:1 कहता है कि यहाँ रिटायर हो गया, कौन रिटायर हो गया जी, शिखर शायद रिटायर हुआ था, हाँ कौन सा रिटायर हुआ, शिखर बच्चे, शिखर जो है थर्ड पार्टनर यहाँ पर रिटायर हो गया और कहता है कि आज गुडविल ऑफ फर्म जो हमने वैल्यू किया है, गुडविल ऑफ फर्म जो वैल्यू किया, इट्स 2,40,000, 2,40,000 रुपये, 240, यानी कि अब जो पार्टनर्स रह जाएंगे उसमें एक रहा विराट और दूसरा रहा यहाँ पे रोहित,
ये दो पार्टनर्स रह गए, जरा पढ़ के बताओ क्वेश्चन में कि जो दो पार्टनर्स रह गए इनका रेशियो कुछ बता रहा है क्या। सर कहता है विराट रोहित डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट फ्यूचर में इक्वली, यानी कि 1:1 में अब डिसाइड किए हैं। ठीक है ठीक है, कहता है कि आप यहाँ पे पास जनरल इंटरेस्ट गिविंग अफेक्ट टू द गुडविल ऑन शिखर रिटायरमेंट रेजिंग गुडविल एट इट्स करेंट वैल्यू। मैं इसको दो क्वेश्चन बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ दिक्कत ना हो समझने में। तो दो कैसे आपके बुक में सही मिलेगा, रेजिंग गुडविल एट इट्स करेंट वैल्यू को मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 बना देता हूँ, पहला पॉइंट ये एक हो गया। एंड यहीं पे नंबर 2 बना दूँ आपके लिए, नंबर 2 में कहता है विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। चलो आपको यहाँ पे गुडविल इन बुक ऑफ फॉर्म, तो मैंने आपको फिर से वो दोनों केस एक साथ ले लिए ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। मेरे बच्चे ये 13 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग बुकलेट का और हम यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो पहले कहता है कि रेजिंग गुडविल एट इट्स करेंट वैल्यू, मतलब केस 1 लिखिए मेरे साथ। केस 1 में कहता है कि रेजिंग गुडविल को रेज कर दो गुडविल को, तो ठीक है हम गुडविल को अगर रेज करेंगे तो हम क्या करेंगे जी 2,40,000 से गुडविल को बढ़ा देंगे। गुडविल मेरे बच्चे एसेट्स है, एसेट्स का वरना डेबिट किया जाएगा, तो गुडविल को 240 से हमने बढ़ा दिया। और ये किसके रेशियो में बढ़ेगा जी, तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, यानी कि विराट कैपिटल अकाउंट। आप समझिए मेरी बात ना, इस बार जैसे वहाँ केस 2 था वो पहले आ गया, रोहित कैपिटल अकाउंट और आपका तीसरा जो यहाँ पे है वो शिखर, ये कहता है कि शिखर कैपिटल अकाउंट। तो ये लीजिए आपका यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे डेबिट किया गुडविल को एंड टू विराट रोहित एंड शिखर आपका, और ये रेशियो बनेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, क्योंकि जो भी गुडविल अगर हमें बुक में दिखाना है 240, तो इसमें जिसने मेहनत किया था उस तीनों के बीच में, तो जरा बताओ कितना आ जाएगा 120,80,000 and 40,000। ठीक है ना, इस एंट्री से क्या हुआ मेरे बच्चे, बैलेंस शीट जो नया बनेगा उसमें गुडविल आ जाएगा 2,40,000, लेकिन इस गुडविल को बैलेंस शीट में AS 26 दिखाना अलाउ नहीं करता, तो हम इस गुडविल को हटाना पड़ेगा। और गुडविल अगर हम गुडविल हटाते हैं तो जिसको डेबिट किया था उसे क्रेडिट करना पड़ेगा 2,40,000 से, 240 से क्रेडिट करना पड़ेगा। और हाँ मेरे बच्चे, जो भी बुक में आपका चीज़ आपने रिवैल्यू किया अगर उसको आप पुराने पे दिखाना चाहते हो, मतलब जीरो पे, तो इसको न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में, तो गुडविल आपका नया पार्टनर कौन का रह गया जी, विराट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और दूसरा कौन है जी, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड टू, ये आपका है न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में। मेरे बच्चे पहली वाली जो हमने एंट्री किया ये क्वेश्चन का सम्मान करने के लिए, और ये एंट्री किया हमने AS 26 का सम्मान करने के लिए, क्योंकि गुडविल दिखाना अलाउड ही नहीं है, नया रेशियो इक्वली कहता है, तो 120 आपका हो गया एंड 120 आपका हो गया। ठीक है ना, ये हमने काम पूरा कर दिया पहला केस क्वेश्चन के मुताबिक, गुडविल को हमने रेज कर दिया लेकिन वो कहता कि ठीक नहीं है रेज करना AS 26, तो हमने बाद में उसको हटा दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने दूसरे केस जो पिछले क्लास में हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए थे हम उनको भी देख लें यहाँ पे करके। तो आइए जरा केस नंबर 2 पे हम आते हैं, केस नंबर 2 लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, और जरा देखो केस नंबर 2 क्या है, विदाउट रेजिंग ऑब्लिक शोइंग गुडविल, बिना गुडविल को शो या रेज किए हुए, मतलब ये टेबल एंट्री की बात करना चाहता। मैं काम करता हूँ एग्जाम में कैसे करना है, तो इसके लिए पहले आपको कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, पहले हमें गेनिंग रेशियो निकालना होगा मेरे बच्चे, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो में पार्टनर्स के नाम यहाँ लिख दिया हमने, विराट लिख रहे हैं आप मेरे साथ, रोहित, और तीसरा कौन है, शिखर, ये आपका हो गया। फिर आपका जो ओल्ड रेशियो है यहाँ पे, ओल्ड रेशियो 3/6 यहाँ पे आएगा, 3/6
2/6, 1/6। न्यू रेशियो कहता है कि यहाँ पे शिखर चला गया, तो इसके जाने के बाद रेशियो कहता है कि इक्वली होगा 1/2, 1/2। यानी कि अगर हम गेनिंग रेशियो निकालें, अगर हम गेनिंग रेशियो निकालें मेरे बच्चे, तो ये आपका गेनिंग हमेशा क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, पता है ना। अब मैं रटा नहीं रहा, बातें समझा चुका हूँ। तो 1/2 - 3/6, ये कितना आ गया 0/6, कोई गेन कोई सेक्रीफाइस नहीं। इनका 1/2 - 2/6, ये 6 आ गया 1/6, ठीक है ना। और शिखर का 0 में से 1/6 माइनस किया तो -1/6, गेनिंग निकाला था नेगेटिव आ गया, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये यहाँ पे गेन कर रहा है। और आप जानते हैं गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री बनेगा, जनरल एंट्री, उसमें हम क्या करेंगे, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शिखर। बच्चे मुझे ना लोग बोलते हैं कि आप इतना ज़्यादा बच्चों को क्यों समझा रहे हो, ये छोटे बच्चे हैं, ऐसे बता दो वो रट लेंगे, तो मुझे मन को शांति नहीं मिलता। बोलता हूँ कि ये बच्चे अगर आज रट लेंगे तो फिर इनका भविष्य खराब हो जाएगा, फिर ये बातें समझना बंद कर देंगे। इसलिए मैं नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, समय ज़्यादा लग रहा, कोई बात नहीं, लेकिन बातें समझा रहा हूँ। देखो ना कि अब शिखर कितना सेक्रीफाइस करेगा, 1/6, तो 2,40,000 जो पूरे फर्म की गुडविल है, इसका 1/6 कितना हो गया 40,000। और आप गेन कितना करेंगे, ये तो 1/6, यानी कि 2,40,000 का 1/6 यानी कितना हो गया 40,000। सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। और एक चीज़ और बता दूं, वो टेबल एंट्री जो किया था ना, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करना, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में डेबिट करना, अगर वैसे भी करोगे तो भी यही एंट्री निकल के आपका आएगा, है ना। और हाँ, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे गुडविल को रेज करके ट्रीटमेंट करो, चाहे गुडविल को बिना रेज के हुए ट्रीटमेंट करो, दोनों का मीनिंग सेम होता है मेरे बच्चे, दोनों का अल्टीमेट इम्पैक्ट बिल्कुल सेम होता है। मैं इसको प्रूफ करता हूँ, देखो जरा यहाँ पे आपको समझ में आएगा। मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो एंट्री है ना, बिल्कुल सेम ये एंट्री है, देखो जरा यहाँ, लिखना बंद करेंगे, नज़र यहाँ, लिखना बंद, ये गुडविल आपका डेबिट 240 और क्रेडिट 240 कैंसिल हो गया, डेबिट क्रेडिट आपस में माइनस हो गए। यहाँ देखो, विराट का कैपिटल 1,20,000 से क्रेडिट है, 120 से क्रेडिट किया और 120 से डेबिट किया, तो 120 क्रेडिट एंड 120 डेबिट कैंसिल हो गया, बराबर है ना बच्चे, कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो, रोहित का 80 क्रेडिट है और 120 डेबिट है, तो क्रेडिट में आपका 120 है, डेबिट में आपका यहाँ पे 120, सॉरी क्रेडिट में 80 है, डेबिट में 120 है, बताओ इसका बड़ा क्या दिख रहा है, डेबिट कितने से 40,000। तो रोहित को आपने क्या किया, डेबिट कर दिया 40,000 से। और ये देखो, शिखर क्रेडिट में कितना है आपका यहाँ पे 40,000, डेबिट में कुछ है नहीं, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे 40,000, वो क्रेडिट आपका हो गया 40,000। मतलब एक्चुअली द एंट्रीज का जो अल्टीमेट इम्पैक्ट इज कमिंग सेम इन बोथ द ऑप्शंस, आपका दोनों में से कोई भी तरीका करें, विल गेट द सेम आपका लॉजिक्स, सेम इम्पैक्ट आपका, बट हाँ द मेथड ऑफ मेकिंग एंट्रीज विल बी डिफरेंट। मेरा कहने का मतलब आपका है कि अगर एग्जाम के अंदर में कुछ ना बोले तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, बात ध्यान सब सुनेंगे, कुछ ना बोले तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि नहीं जी, गुडविल को आपको रेज करना है, शो करना है करंट वैल्यू पे, तो हम पहले क्या करेंगे, गुडविल को शो कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, जैसे था ना वो टेबल एंट्री में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हमने पार्टनर्स को क्रेडिट किया, मतलब इनको डेबिट करना होगा, पार्टनर्स को क्रेडिट किया था हमने, पार्टनर्स के आगे लिखा था क्रेडिट, तो ये नाम डेबिट चला जाएगा। फिर न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में डेबिट करना है, तो न्यू पार्टनर्स को हमने न्यू रेशियो में डेबिट कर दिया, गुडविल डेबिट था, क्रेडिट आपका हो गया, इंपैक्ट अल्टीमेटली सेम आपका होगा। तो इसलिए ये ना होना चाहिए कि यार उसमें कुछ अलग कर रहे हैं इसमें अलग, ना काम तो सेम है लेकिन करने के तरीके अलग है, ठीक वैसे ही जैसे खाने के तरीके दो होते हैं, एक होता है जैसे मैं जो आटा होता है ना बच्चे, आटा जो मम्मा आटा से रोटी बनाती है, तो मैं रोटी पकने के बाद खाता हूँ, रोटी पक जाता तब खाता हूँ, लेकिन आप देखो आटे ही खा लेते हो, मम्मा ने आटा वहाँ पे गुथा और उसी को खाना शुरू किया, अल्टीमेटली पेट में ही जाना है, अल्टीमेट इम्पैक्ट सेम है कि भूख खत्म हो, मैं रोटी पकने के बाद खाता हूँ, आप कच्चे ही खा जाते हो, तो मीनिंग तो सेम निकल के आएगा, मीनिंग तो सेम निकल के आएगा। इसका मतलब है कि हम इसमें झगड़ा नहीं करेंगे आपस में, एग्जाम में जो बोल देगा हम उसी तरीके को यहाँ पे फॉलो कर लेंगे,
कुछ ना बोले तो बिना रेज के हुए, मतलब गेरिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और कुछ बोले तो हम उसको सम्मान देंगे, लेकिन उसके सम्मान के अगर में हमारा A26 खराब हो रहा होगा तो हम उसको ही फॉलो करेंगे, मतलब टू एंट्रीज विल बी पास्ड। अब आइए जरा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर तो आप कर जाएंगे इसके क्वेश्चन आपका। जरा आ जाओ 14 क्वेश्चन पे, 13 मैंने करा दिया, 14 आइए। पिछली क्लास में कहा था ये सब क्वेश्चन कराऊंगा, आप चिंता नहीं करना। 14 में कहता है, भास्कर रमेश एंड सुमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। तीन पार्टनर्स मेरे बच्चे, इनका रेशियो 3:1 में कहता है, सुमन रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल, सुमन का रिटायरमेंट हो गया है, सुमन यानी कि थर्ड पार्टनर का। ऑन विच डेट कहता है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू किया गया 2,40,000 पे, अब पिछला भी 240 था, ये भी। भास्कर रमेश डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट फ्यूचर में 2:3, बोलता है कि पास एंट्रीज गिविंग अफेक्ट टू गुडविल ऑन सुमन रिटायरमेंट, रेजिंग गुडविल एट द करेंट, रेजिंग। अब यहाँ पे कोई केस नहीं है कि केस 1 केस 2, वो कहता है गुडविल को रेज कर दो, मतलब शो कर दो, तो करो ना। तो आप जानते हो ना बच्चे, क्वेश्चन में आप कुछ नहीं, फटाफट एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिटेड। जरा बताओ फर्म की गुडविल कितना बता रहा क्वेश्चन में, तो 2,40,000, 2,40। बताओ ये गुडविल किसके बीच में रेज किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, यानी कि भास्कर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड क्रेडिटेड, दूसरा कौन है जी, भास्कर के बाद रमेश, लिखे यहाँ पे रमेश कैपिटल अकाउंट, और तीसरा यहाँ पे कहता है सुमन, तो आपने लिखा सुमन कैपिटल अकाउंट। बोलो ना कि यहाँ पे जो 240 का अमाउंट है वो भास्कर रमेश, इसमें कितना रेशियो 3:1, 3:1 का मतलब 120,80,000 एंड यहाँ पे 40,000, ये हो गया। ये हमने क्या किया बच्चे, बीइंग गुडविल लिखी मेरे साथ, अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, है ना बच्चे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सेकंड एंट्री हमारा बनेगा, सेकंड एंट्री हम उसमें इस गुडविल को हटा देंगे A26 का सम्मान करने के लिए। तो सुमन रिटायर हो चुकी है, यानी कि अब भास्कर को डेबिट करेंगे, भास्कर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और फिर टू गुडविल अकाउंट, ये लीजिए टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे आपका 240 का अमाउंट है, गुडविल हट गया। और जरा बता दो, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में, तो न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो, नया रेशियो क्वेश्चन में क्या बता रहा है आपको यहाँ पे, लो मेरा तो लैपटॉप ही बंद हो जाता है जैसे। नया रेशियो कहता है मेरे बच्चे 2:3, है ना। तो जरा बताओ 2:3 कितना हो जाएगा, 240 / 5 × 2, ये आ गया 96,000, और डिवाइड बाई 2 × 3 आपका ये आ गया 1,44,000। ये काम हमारा ख़त्म हो गया, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर्स न्यू। मैंने कहा ना, ऊपर वाला ये एंट्री क्वेश्चन को सम्मान देने के लिए, नीचे वाली एंट्री A26 को सम्मान देने के लिए, ये हो गया आपका, ठीक है ना। आप देखो ये भी खत्म हो गया, 15 क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आप चाहे कुछ भी कह दो, ये खुद करना आपने, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 15 पढ़ेंगे, करण चरण एंड रमन वेर पार्टनर्स रेशियो 3:1, रमन रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल, ऑन विजिट गुडविल कहता है कि फर्म का 120 है, पास जर्नल एंट्रीज रेजिंग गुडविल फॉर द रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इन करंट वैल्यू ऑफ गुडविल गिविंग, क्वेश्चन गलत है, मैं थोड़ा सही कर लूँ यहाँ पे, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर रेजिंग गुडविल एट इट्स करंट वैल्यू, रेजिंग गुडविल, हाँ जी आपको सही आएगा, चिंता नहीं करना, एट इट्स करंट वैल्यू, करंट वैल्यू। तो ये गुडविल को हमें दिखाना है जी करंट वैल्यू पे, ये वही हो गया, मतलब गुडविल को रेज करना है, तो रेज करके आप राइट ऑफ कर देना, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये अब मैं नहीं करा रहा, 16 भी ऐसा ही क्वेश्चन आपका है, ये सारी बातें हम लोग खत्म कर चुके हैं। वो आपका मैंने ये भी पहले पिछली क्लास में बताया था, गुडविल अगर पहले से अपीयर है तो उसको हम हटा देंगे। अब ये बातें जानते हैं आप, अब आइए हिडन गुडविल के ऊपर में, कि हिडन गुडविल ये भी हम पहले से जानते हैं मेरे बच्चे,
हिडन गुडविल का मतलब होता है छुपा हुआ गुडविल, यानी कि जो गुडविल क्वेश्चन में बताए ना, बट एक्चुअली गुडविल आपका है। तो रिटायरमेंट डेथ में इसका कॉन्सेप्ट कैसे निकल के आएगा वो भी थोड़ा सा मैं समझा दूँ, फिर हम बड़े क्वेश्चन में देख लेंगे। आप आइए लिखिए मेरे साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल आपका एक्चुअली जब हमने एडमिशन में पढ़ा था ये, तो पार्टनर एक आ रहा था तो वो इतना पैसा लेकर आया, जितना पैसा लेकर आया उसके हिसाब से इतना कैपिटल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल कैपिटल आपका इतना है, तो दोनों का डिफरेंस हमने निकाला था यहाँ पे, क्योंकि रिटायरमेंट है मेरे बच्चे। इस बात को समझने के लिए आप सॉल्यूशन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 का। थोड़ा सा स्पीड मैंने मेंटेन जानबूझ के करके रखा हुआ है, क्योंकि आपको ये बातें ऑलरेडी पहले से पता है, कुछ नई चीज़ नहीं है मेरे बच्चे। आप आओ ना 21 में आपको बता दो, पढ़ो क्या बता रहा है। एबीसी और पार्टनर्स रेशियो 1:3, 21 क्वेश्चन कर रहे हैं। एबीसी पार्टनर्स है, रेशियो कहता है कि आपका 1:3 है। सी रिटायर्स एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन 220। मतलब ये कह रहा आपका सी का रिटायरमेंट हुआ तो मेरे बच्चे एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सी बता रहा है 220,000। एडजस्टेड का मतलब होता है जिसमें रिजर्व, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, कोई लॉस, कोई गुडविल, सब कुछ प्लस माइनस हो चुका है, कुछ अलग समय नहीं करना। ये कहता है आपका 220,000 है। ए बी अग्रीड टू पे हिम 250। लो आपका जो हिसाब बना, आपका तो हिसाब 220 बना, मेरे बच्चे ये एडजस्टेड कैपिटल का मतलब हो गया आपका एक्चुअल, मतलब फाइनल पेमेंट, जो फाइनल क्लेम, जो आपका क्लेम है, ये ब्लू से लिख रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लिखना आपको समझाने के लिए। मतलब जब हमने सी को बोला कि भैया आप तो रिटायर हो रहे हो, आपका जब हम हिसाब निकालेंगे कि मुझे आपको कितना पेमेंट करना है, तो वो हिसाब कितना बना 220। लेकिन बच्चे क्वेश्चन में कहता है कि अमाउंट जो पेबल है, अमाउंट पेबल टू सी, वो कहता है 250,000। अरे आपका जो हिसाब बना 220 का, जिसमें रिजर्व, कोई लॉस हुआ, कोई आपका वो प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवोल्यूशन था, उन सबको प्लस माइनस करके 220 का हिसाब बना, लेकिन हम आपको 250 का अमाउंट पे कर रहे हैं। देखो ना, कह रहा है कि ए बी अग्री टू पे हिम 250। जरा बताओ 220 आपका हिसाब बना तो हम 250 आपको क्यों पे कर रहे हैं? इसका मतलब है कि जो 30,000 जो आपको एक्सेस पे कर रहे हैं, ये जो एक्सेस अमाउंट जो निकल के आ रहा है बच्चे, एक्सेस अमाउंट, ये आपका विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज गुडविल। मतलब आपका हिसाब तो सिर्फ 220 का बना था, लेकिन हम आपको 250 का पेमेंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 30,000 रुपये ज़्यादा। शायद मैंने पहले एक बार गुडविल वर्ड यूज किया था, उसको दिमाग से हटा देना। ये 220 का अमाउंट कह रहा है इसमें जी कि कोई आपका रिजर्व है वो प्लस माइनस हो चुका है, एसेट्स को रिवैल्यू करने पे जो घाटा फायदा वो प्लस माइनस हो चुका है, मतलब 220, लेकिन हम 250 दे रहे हैं। तो 30,000 जो एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है वो आपका क्या होगा जी, गुडविल होगा ऑफ किसका, सीज शेयर। सी जो आपका रिटायर कर रहा है, हम उसका शेयर दे रहे हैं। याद है ना, जब कोई आदमी रिटायर करता है तो हम गुडविल में उसका हिस्सा देते हैं। और कितना देंगे जी, जितना आप छोड़ के जाएंगे तो कितना, ये 30,000 रुपये आपका 30,000, लेकिन ये 30,000 फर्म की गुडविल नहीं है, ये सी का शेयर आपका है, सी का, क्योंकि सी में से हमने निकाला। तो अगर हम पूरे गुडविल ऑफ फर्म जानना चाहते हैं, गुडविल ऑफ फर्म कितना है, तो मेरे बच्चे पता क्या करेंगे, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय, जरा बताओ सी का शेयर कितना था फर्म में, ए बी सी 3/6, तो फॉर्म का जानने के लिए रिवर्स करना होता है 6/3, यानी कितना हो गया, 60,000 का अमाउंट मेरे बच्चे। तो गुडविल जो फॉर्म का है वो कितना निकल के आ गया, 60,000, और ये काम पूरा आपका हो गया। आई बात समझ में, बात समझ में आई? ये हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट होता है, कभी एग्जाम में 2-3 नंबर में अगर आ जाए तो ये सब क्वेश्चन हम कर जाएंगे। इस पे मुझे और कोई क्वेश्चन कराने का मन कर नहीं रहा, क्योंकि अगर इसका हिडन का कॉन्सेप्ट आएगा तो ऐसा ही आएगा, बाकी हम बड़े बड़े क्वेश्चन के साथ देख लेंगे अगर कोई कॉन्सेप्ट आया तो। कैसे किया जी, सी का एडजस्टेड कैपिटल कितना है, मतलब फाइनल क्लेम, सी को हम अमाउंट कितना पे कर रहे हैं, टोटल 250, ज़्यादा कितना 30, तो ज़्यादा जो भी पे करते हैं इट्स ऑफ द गुडविल, यानी कि गुडविल का सी का शेयर आ गया, तो फर्म का कितना हो जाएगा 30,000 इंटू, हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया, रिवर्स ऑफ शेयर ऑफ किसका, वो सी का जो शेयर है
हमने उसको यहाँ पर रिवर्स कर दिया, तो आपका गुडविल का अमाउंट निकल के आ गया। आई बात समझ में? तो इट्स वेरी 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 इजी कॉन्सेप्ट, नथिंग मोर। ये भी काम खत्म किया। अब मैं क्या करूं?